हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। सो आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। आप में से कई लोग अपने पर्सन के लिए, वो लड़की है या लड़का है, उनका वेट कर रहे हैं। आप कन्फ्यूज्ड हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो यूनिवर्स आपको यहाँ गाइड करेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, और आपको इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ करना है ताकि आपको आपकी रीडिंग आपके सामने आ जाए। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और आपको लग रहा है वो पाइल आप पे रिजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप अपनी पाइल चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास राइट नाउ है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सो शुरू करने से पहले आप अपने ईश्वर का, भगवान का, यूनिवर्स का ध्यान करें और अपने उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके लिए आप यहाँ जवाब ढूंढ रहे हैं। सो चलिए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ओ माय गॉड, द सन। आपको पता है द सन जिस भी रीडिंग में आता है, इसका मतलब बहुत हैप्पीनेस होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। सन का कार्ड काफ़ी अच्छा माना जाता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन हैं अब तक काफ़ी ज़िद्दी रहे, काफ़ी ज़्यादा लाइक वो एक ऐसे इंसान हैं कि काफ़ी ज़्यादा फादरली नेचर के हैं, जिन्हें काफ़ी डिसिप्लिन में काफ़ी प्रिंसिपल्स फॉलो करना पसंद है। वो काफ़ी ज़िद्दी भी हैं, कई कई बात तो आपके और उनके बीच में लड़ाई होती होगी और वो मानते ही नहीं होंगे। वो जल्दी अपनी गलती का एहसास नहीं कर पाते, उन्हें जल्दी कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो पाता कि उनसे कहाँ गलती हुई या क्या, और अगर हो भी जाती है ना तो वो आसानी से आपको सॉरी नहीं बोलते। वो आपसे बहुत एफर्ट होने के बाद बहुत हार्डली ऐसा होता है कि वो आपसे सॉरी बोले। ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो आपसे कभी भी अपनी गलती के बारे में ज़्यादा बात करे, और कई कई बार तो ऐसा दिख रहा है कि कई कई बार तो वो आपको ही घुमाकर उल्टा नेगेटिव वे में बोल देते हैं कि जैसे कि पूरी गलती आपकी हो। तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा बार होता है, लेकिन अगर आपको इस वक्त देखें तो आप इस वक्त काफ़ी निराश, काफ़ी तन्हा, अकेले से नज़र आ रहे हैं। आप शायद बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत अपसेट हैं आप, कहीं आप पता नहीं क्यों अकेला फील कर रहे हैं। शायद आपने होप्स ख़त्म कर दिए इनके आने की, या आपको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार ज़्यादा आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपके पास प्यार का सागर है, पर आप वो लाइक आपने होप्स इतनी ख़त्म कर दी है ना कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप शायद किसी कोने में ना जगल कर रहे हो, कन्फ्यूज़ हो चुके हो कि मैं आखिर मन की सुनूं या दिमाग की सुनूं, क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि भूल जा, और आपका मन कहता है कि नहीं, वो आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ दोबारा वैसा हो जाएगा। तो ये चक्कर में ना आप बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत निराश और बहुत इरिटेटेड भी हो रहे हो। शायद कहीं ना आपको अचानक गुस्सा भी आ रहा होगा, कहीं कहीं अचानक आपको रोना भी आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है, कई बार कन्फ्यूजन हो जा रही है। पर किंग ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड दर्शाते हैं कि उनके आने की आशंका बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये कार्ड्स में सब एक्सप्रेस हो रहा है कि वो आने की तैयारी में है। अगर आपका कोई झगड़ा है तो वो सॉल्व होने वाला है, और शायद वो कहीं से ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ कि वो इस तरह आप अगर देख सकते हैं ना, तो वो घोड़े पे एक प्रकार से सवार हैं और पूरी तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वो आ रहे हैं। एंथुसियाज्म आ चुका है उनके अंदर, एक स्ट्रेंथ जो कम था पहले, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो तैयारी पे हैं आने के, आपके पास लौटने की तैयारी है, सब कुछ सॉल्व करने की तैयारी है, और आप उनको काफ़ी डिफरेंट पर्सन देख पाएंगे इस बार। आपको देखने मिलेगा कि जो कल तक आसानी से माफ़ी भी नहीं मांगता था ना, वो अचानक आपसे माफ़ियाँ मांग रहा है। अचानक वो काफ़ी लाइक रोमांटिक बिहेवियर रहेगा, काफ़ी चीज़ी बिहेवियर रहेगा। आप सोचेंगे कि ये पर्सन कौन है, जिसको तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं, ये पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको उनके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं आपके बिना रहने के बाद। उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि आपके बिना उनकी दुनिया पूरी हो ही नहीं सकती, और इसीलिए
वो लौट रहे हैं। द हाई प्रिस्ट का कार्ड ये भी कहता है कि उन्हें अब धीरे धीरे जो है टाइम के साथ आपकी बातों पर, आप पर भरोसा हो चुका है। वो शायद इससे पहले आपसे किसी और से इन्फ्लुएंस होके उलझे हैं, कुछ मैटर हुआ किसी रीज़न से, मैटर शायद आपका भरोसा टूट जाना या उनका भरोसा टूट जाने से हुआ था। लेकिन इस बार ये ट्रस्ट का कार्ड ये बताता है कि उनका ट्रस्ट, उनका फेथ वापस आ चुका है, उनकी तैयारी पूरी है, वो वापस आने की तैयारी में है, उनका फेथ वापस आ चुका है, वो आप पर दोबारा भरोसा करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स प्यार का सागर ऑफर करते हुए दिख रहा है आपको, ये आपको प्यार ही प्यार देने चाहते हैं और वो पूरी तरह तैयार नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि पूरी एंथुजियाज्म और एनर्जी में वो रेडी है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चीज़ तैयार, एक मतलब नई एनर्जी के साथ वो दोबारा इस रिश्ते को शुरुआत करते हुए दिखते हैं। दी लवर्स का कार्ड सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है ये। दी लवर्स का कार्ड आप ना मतलब कार्ड के नाम से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये कार्ड क्यों है, ये दर्शाता है। यहाँ पे देखिए आप, एंजल आपको बता रहा है कि यहाँ पर एंजल है, यहाँ पर आप दोनों हैं, एंजल आपको आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं और आप दोनों एक होते हुए दिख रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। दी सन का कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड, मतलब आपकी लाइफ में अभी तक जितनी भी चीज़ों को लेकर आप इतने अपसेट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने पूरी जो होप्स ख़त्म कर रखी थी, आपको लगा कि शायद ये नहीं आएंगे, शायद सब कुछ ये ख़त्म हो चुका है, आपको कुछ जीने की वजह ही नहीं थी, शायद आपकी चीज़ें लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें अचानक ही मैस होने लगी, इनके जाने से, ना सिर्फ इनके जाने से आपको कोई दिक्कत आई, आपको और भी चीज़ों में दिक्कत आना शुरू हुई, आपके और भी मैटर्स अटकना शुरू हो गए और आपको ऐसा लग रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कि ऐसा अचानक आपका टाइम क्यों चल रहा है। बट ये द सन का कार्ड ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, हैप्पीनेस और प्यार बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होने वाला है, तो तैयारी शुरू कर दें आप। और अगर आपका सवाल है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो ये कार्ड, ये रीडिंग आपको बहुत क्लियर वे में ये बताता है कि आपको वेट करना चाहिए, आपको पेशेंस रखनी चाहिए, आपके पर्सन आपके पास जल्दी लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आएंगे भी और आपको ढेर सारा प्यार ऑफर करेंगे और इस बार आप उन्हें एक नए अवतार में पाएंगे। सो अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइस है उनके पास आपके लिए। सो यूनिवर्स फाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, यूनिवर्स फाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, यूनिवर्स फाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप। जो अभी सबसे पहला कार्ड है ना, वही उठा रही हो। एक और कार्ड निकालते हैं, दी डेविल, दी मून। मुझे मून के लिए क्लैरिटी चाहिए तो मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ, यूनिवर्स। ये देखिए तुरंत ही निकल आया, तो दी डेथ, सुपर्ब। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं निश्चिंत हो जाइए, मैंने मेरा काम कर दिया है और आपको अब निराशा का टाइम छोड़ना पड़ेगा। द मून देखिए कितने अपसेट दिख रहे हैं आप, कितने ज़्यादा आपके होप्स नज़र आ रहे हैं, आप होप्स से पूरी तरीके से मतलब कितने अपसेट हैं आप, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके साथ, आप क्यों इतना जल्दी होप हार गए। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके जो फेथ, आपका जो भरोसा है मुझ पर से कम मत करो, मैं हूँ, ईश्वर कह रहा है मैं हूँ, मैंने अपना सबूत दिया है और अब आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही सुंदर है। डेथ का कार्ड डरने वाला कार्ड नहीं होता, डेथ का कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग आप करने जा रहे हैं, पुराने सभी चीज़ों का अंत होने को तैयारी शुरू हो चुकी है। पुराने सभी चीज़ों का अंत मान लें आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी इश्यूज हुए हैं, वो सब सॉर्टेड होने वाले हैं, सब ठीक होने वाला है और वो इस तरह से ठीक होगा ना। द डेविल का कार्ड और ये डेथ कार्ड, द मून कार्ड ये बता रहे हैं कि इस तरह से ठीक होगा ना कि आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी, आपको लगेगा ही नहीं, मतलब कैसा होगा ना कि आप नॉर्मली बैठे हैं और अचानक वो बंदा आपके सामने है या वो बंदी आपके सामने है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो आपको शौक लगेगा और शायद उस वक्त आपको मेरी ये रीडिंग का ध्यान आएगा कि यार उसने कहा था कि ये होगा। यूनिवर्स आप यूनिवर्स पे भरोसा रखें और ईश्वर पे भरोसा रखें, उनकी पूजा करना बंद ना करें, उनको उनको जितना पूछते थे पूछते रहिए और हमेशा याद रखिए कि पूजा करते वक्त आप कभी भी मांगने से ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद करने में बिलीव करें, क्योंकि मांगने के लिए तो कई लोग जाते हैं लेकिन धन्यवाद कितने लोग करते हैं।
ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, अब तक उन्होंने आपकी लाइफ जितनी भी सुंदर रखी, कोई भी काफ़ी सुंदर चीज़ें उन्होंने आपके लिए की, आपको इतना हेल्दी रखा, कोरोना का ऐसा टाइम है आपको सेफ रखा, तो उन सभी चीज़ों के लिए उनको धन्यवाद करें। वो आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, तो धन्यवाद तो बनता है। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपकी रीडिंग किस हद तक, कितने लेवल तक रिजोनेट हुई। और अगर आपके पर्सन आए ना, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि वो आ गए या नहीं आए। आप निराश मत होइए, सब कुछ ठीक होने की तैयारी है, और अपने फेस पे एक बड़ी सी स्माइल मेंटेन करते रहें। सो अभी तक के लिए इतना, आपने जो देखा उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और जल्दी से मैं पर्सनल रीडिंग भी शुरू करने वाली हूँ। अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आने वाली वीडियोज़ में होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सो अब आते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के पास। जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का बक्कल चूज़ किया, अब उसकी रीडिंग देखेंगे। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखते हैं, देखते हैं कार्ड्स में क्या आया है। स्ट्रेंथ, 3 of Swords, Knight of Swords, 9 of Cups, 5 of Swords, Page of Swords, Temperance, 7 of Cups, Knight of Cups, 9 of Wands. आप में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर। स्ट्रेंथ का कार्ड दर्शाता है कि आपने खुद को बहुत मजबूत और बहुत ही स्ट्रांग बना लिया है। आपने बहुत लंबा समय वेट किया है अपने पर्सन का, इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और आप अब कैसा है ना कि आपका ऐसा नेचर हो चुका है कि वो आते हैं तो ठीक, नहीं आए ना तो भी आप अकेले के लिए बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि अब आप इतने मजबूत हो चुके हो और इतने चेंज हो चुके हो ना कि आपको मतलब शायद आपका पर्सन आकर भी पहचान ना पाए, आप ऐसे हो गए हैं। या तो आप एकदम पत्थर हो चुके हैं, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, आपको लगता है कि लाइफ में शायद कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जो हमें कुछ लेसन्स दिखाते हैं, कुछ लेसन सिखाते हैं, तो शायद आप उसको सीख कर अपने आप को रेडी कर चुके हो। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। आपका दिल भी बहुत बुरी तरह टूटा है, 3 of Swords का कार्ड दिखा रहा है। आप बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हैं, आपको उनकी बातों से किसी मतलब कोई चीज़ में, कोई लड़ाई में ये हुआ है। आप किसी बात से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, ऊपर से जब वो बहुत लंबे समय तक वो सॉल्व नहीं हुआ आपका मैटर, आपका जो झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके बाद आपके अंदर जैसे कि एक घाव बढ़ता चला गया। जैसे ना आप कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में इस बात को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आपको लगा कि क्यों हुआ, आपने सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आप मतलब कई बार आप बोल ज़रूर रहे हैं पर आपके दिल से ना चीज़ें निकल नहीं रही। आपको बार बार लग रहा है कि यार वो कैसे कर सकते हैं ऐसा, कैसे मतलब इश्यूज़ जो भी थे मतलब ये कैसे पॉसिबल है। आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है और शायद बहुत अभी थोड़े टाइम तक आपका ऐसा रहेगा कि आप जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में अब जो भी आएगा आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, मैच्योर रहेंगे, आपको रहेगा कि आपको कैसे हैंडल करना है, आपको ये समझ में आ चुका है क्योंकि आपके पिछले रिलेशनशिप से आपने बहुत चीज़ें सीख ली है। पिछला रिलेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सॉरी टू से आपके कार्ड्स में ये आपको दिखा रहा है कि ऑलरेडी आपने मूव ऑन के स्टेप्स ले लिए हैं। आप ये फिर भी जस्ट एक क्लारिफिकेशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जस्ट क्लारिफाई कर रहे हैं कि आपने जो किया वो सही है क्या, कि आपको वेट तो नहीं करना चाहिए। आपने अगर आगे के स्टेप्स ले लिए हैं तो आपने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि आपके पर्सन वो अगर आएंगे भी तो आपको बहुत हर्ट करेंगे। आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, या वो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, या कोई ऐसे इश्यूज़ जो लाइक लॉन्ग डिस्टेंस या ऐसा कोई ट्रैवलिंग है जो मतलब ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉर्ट नहीं हो पा रहा, लाइक वो दूर रहते हैं तो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या उनकी नौकरी ऐसी है, तो वो सब ठीक होना बहुत मुश्किल है। और शायद दिल के किसी कोने में ना हमने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है,
आपने मूव ऑन भी काफ़ी हद तक स्टेप ले लिए हैं। मूव ऑन मतलब ये नहीं कि आपने दूसरों को पटाना या किसी और से रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया, नहीं, आपने अपना कदम आगे लिया, अपने आप को बदला, अपनी सीख ली और आप इन चीज़ों के पीछे अब रो नहीं रहे। आपने बहुत लंबा समय रोकर निकाला है, आप अकेले बैठ के रोए हैं। कई बार तो आपने लोगों को दिखाया नहीं है कि आपके अंदर कितना दर्द भरा है, पर आप कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बहुत ज़्यादा। स्टिल आप स्ट्रेंथ ज़रूर दिखाते हो, स्ट्रांग ज़रूर हो, आपने मूव ऑन के स्टेप ज़रूर लिए, लेकिन वो जो घाव है ना, वो आपका भर नहीं रहा है। कहीं ना आप उस चीज़ से बहुत डैमेज हो चुके हो। तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे लाइक दिखाता जा रहा है कि आपके हक में ना, आपके हक में बहुत सारी चीज़ें ठीक होने की तैयारी हो रही है। आप भले निराश होकर जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए, आप कंप्लीशन का कप्स जो है, कंप्लीशन के नियर आ चुके हैं। आप एक प्रकार से अपनी एक जर्नी को ख़त्म करते हैं, मतलब जो लेसन आपको सीखना था वो आपने देख लिया, पर आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ही सही तरीके से नज़र आ रहे हैं कि आपकी जो बिगनिंग है ना, आपको बहुत सारे चॉइसेस देंगे। जो मूव ऑन आपने किया है ना, आने वाला टाइम आपके लिए ऐसा होने वाला है कि आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस होंगी। आपके पास ऐसी चॉइसेस रहेंगी कि मैं इसको चुनूं या उसको चुनूं या उसको। मैं एक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात कर रही, मैं कर रही हूँ कि आपके पास सक्सेस, मनी, आपके पास परिवार, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइक कंफ्यूज़ कर देंगी और आपको, हाँ, और हाँ, आपके कप, एक कप में आपका पर्सन भी ज़रूर आपको नज़र आएगा, आपका पर्सन लौटेगा ज़रूर। पर यस, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन अगर वापस लौट भी आया तो आपको सिर्फ दोबारा हर्ट करने के लिए आएगा। और ये बात आप ऑलरेडी जानेंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये मुझे फिर से हर्ट करने आए हैं, आपको पता होगा पहले से ही। तो इसीलिए आप शायद उनका वो कप एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बिगनिंग्स का कार्ड, द टेम्परेंस का कार्ड भी यही बताता है कि आप अब स्टेबिलिटी और पेशेंस रखना सीख गए हैं। आपको पता चल गया है, आपको सही गलत की परख समझ में आ चुकी है, आपको समझ में आ गया है कि पिछले टाइम क्या गलती हुई थी और इस टाइम वो गलती कैसे दोहरानी नहीं है और कैसे उसे ठीक करना है। आपने बहुत ज़्यादा मजबूती से ना बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि दुनिया से लड़ने के लिए अब आप तैयार हो चुके हैं। अब ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो आए नहीं आए, बट मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। मैं आने वाली लाइफ में ये तकलीफें और नहीं देख सकती या देख सकता हूँ। ये घाव दोबारा आप बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है। और इसके लिए आपने ना अपनी जो है पूरी होप्स, अपना काम भी आप कर रहे हैं, नाइन ऑफ वॉन्स देख सकते हैं, पूरी एनर्जी के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, आप किसी चीज़ पे बहुत बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे हैं और आपने पूरी होप्स रखी हैं कि वो काम का आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। आप बहुत श्योर हो उन चीज़ को लेकर, और नहीं हो तो प्लीज़ हो जाओ। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपके कार्ड्स बताते हैं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, आपका जो पिछला रिलेशनशिप है वो एंड हो रहा है और एक नए रिलेशनशिप और एक नई बिगनिंग की तैयारी हो चुकी है। मैंने आपको शायद साइन नहीं बताए, वॉन्स फायर साइन है, एरीज लियो सैज, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी दिखा रहा है। सो ये साइन या आपके या उनके हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं या एडवाइस देते हैं। यूनिवर्स, आप इनको क्या, पाइल नंबर 2 को क्या एडवाइस या क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूनिवर्स, आप पाइल नंबर 2 को क्या एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूनिवर्स, आप पाइल नंबर 2 को क्या एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूनिवर्स, मैं शुरू के 2 कार्ड निकाल रही हूँ, 1, 2, द जजमेंट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। द जजमेंट, ईश्वर आपके ही सुनने वाले हैं या ऑलरेडी सुन रहे हैं। ईश्वर आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं, आप हाथ फैलाकर खड़े हैं और ईश्वर आपकी सुन चुके हैं। द जजमेंट का कार्ड यही दर्शाता है, आप बहुत जो मेहनत कर रहे हैं ना, ईश्वर आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि सब ठीक होने वाला है, सब ठीक कर दूंगा, जो तेरा दर्द है वो मैं भर दूंगा, सब ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने पेशेंस बनाए रखने हैं।
मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, एक एडवाइस और बनती है, क्योंकि अगर इतना पेन है तो ज़रा थोड़ा उस पेन को हील किया जाए। यूनिवर्स, आप और क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? यूनिवर्स, आप और क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? पाइल नंबर टू के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स? पाइल नंबर टू के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं इसके लिए भी एक और क्लैरिटी कार्ड निकाल रही हूँ। हाँ, आई गेस मैंने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रीडिंग और बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकाले, बट स्टिल मुझे ना मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसलिए मैं इसका भी एक क्लैरिटी कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? एडवाइस क्या है आपकी पाइल नंबर टू के लिए? यूनिवर्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? एडवाइस क्या है आपकी पाइल नंबर टू के लिए? ओके, वो चेक के खुद आए हैं द हाई प्रीस्ट। यूनिवर्स कहते हैं आप इस वक्त बहुत पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, उन्हें नज़र आ रहा है, वो ध्यान दे रहे हैं। द हाई प्रीस्ट का कार्ड कहता है उन पर भरोसा बनाए रखें। ब्लैक और वाइट के बीच में जो होता है, हमेशा हर चीज़ एकदम ऐसा नहीं होता कि आपको वाइट वाइट रहेगी। कुछ चीज़ें, कुछ तकलीफ़ें आती हैं लाइफ में, तो ये जो बंदे आपकी लाइफ से गए वो एक लेसन था। शायद आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जिसमें मैं पता नहीं क्यों ना मंबल कर रही हूँ आज, सो सॉरी, थोड़ा बहुत पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट ईश्वर कहते हैं कि हमेशा ना सब सही नहीं होता, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं। उन चीज़ों से जो सीख कर आप आगे बढ़े हो ना, उसको कंटिन्यू करो, उसको करते रहो। वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए हैं, उन पे भरोसा बनाए रखें, उन पे ट्रस्ट ना ख़त्म करें। किसी पर्सन के लिए जो आपने ईश्वर से लड़ाई अगर शायद की है ना, वो कह रहे हैं वो मत करो यार, मैं भरोसा कर सकते हो, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारा अच्छा करूँगा। तो आपको उन पे भरोसा रखना पड़ेगा, और हो सके तो कुछ अच्छे कर्म के लिए, आप ऑलरेडी काम पे तो फोकस कर रहे हैं, पर कुछ अच्छे कर्मों के लिए हो सके तो कुछ लोगों की मदद करें। अगर आपके हाथ में हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, और अगर फाइनेंशियली ना सही, ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली करें, अगर फाइनेंशियली ना सही तो आप कुछ पेट्स की मदद करें, और पेट्स की ना सही तो कम से कम लोगों के दिलों को हील कीजिए। हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो बहुत तकलीफ़ में हैं इस वक्त, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनकी हेल्प करके आपको बहुत अच्छा फील होगा, ईश्वर यही मैसेज आपको देते हैं। सो पॉइंट नंबर टू, ये थी आपकी रीडिंग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अपनी होप्स ना ख़त्म करें, आपके साथ सब अच्छा होने वाला है, बस भरोसा रखें और अपने माइंड को पूरी तरह पॉजिटिव रखें। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल, और हाँ, वीडियो पे एक लाइक चिपका के जाइए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स रेडी कर सकूँ। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। सो जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का बकल चूज़ किया है, यानी कि पाइल नंबर थ्री, देखते हैं उनकी क्या रीडिंग्स आई है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे बाप, आप लोगों ने या तो बहुत ज़्यादा लड़ाई की है, या और लड़ाई के मूड में बैठे हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है अभी भी। शायद आप लोगों में ना ये ब्लॉक अनब्लॉक का केस चल रहा है, या आप लोग ना थोड़ा बहुत भी जो बात कर रहे हो, या आपके पर्सन, उनकी शायद एनर्जी ऐसी है कि वो बात करते कम है, लड़ते ज़्यादा है। छोटी सी बात पे बात का बतंगड़ हो जाता है, आप तो इरिटेट हो चुके हो। आपको लग रहा है कि ये कैसा मैस है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको गुस्सा आ जा रहा है, और कई बार आपको लग भी रहा है कि यार गुस्सा क्यों आ रहा था। मतलब आप कई बार बोलते ना कि मैटर को सोच के आप बाद में सोच रहे हो कि अरे
मैंने उस वक्त ऐसे क्यों रिएक्ट किया था, मैं ऐसे भी तो कर सकता था या ऐसे भी तो कर सकती थी। यह एनर्जी आपकी या आपके पर्सन दोनों की हो सकती है, या हो सकता है आप दोनों ही लड़ रहे हो और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में। द टावर का कार्ड कहता है कि आप लोग दोनों ने एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई है ना कि दोनों के दिल किसी तरीके से बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं। पर अभी तक ये दिखा रहा है ये कार्ड, ये कार्ड अभी भी दिखा रहा है कि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी और होने वाली है। पर हाँ, इस बार लड़ाई आप लोगों की एक साथ एक दूसरे से नहीं होगी, लड़ाई होने वाली है आप लोगों की शायद अपने परिवार वालों से, शायद आपके परिवार वालों से। आप अपने प्यार को निभाने के लिए लड़ रहे हैं, या आपके जो पार्टनर है आप चाहते हैं कि वो अपने फैमिली को कन्विंस कर ले और वो आपको एक्सेप्ट कर ले, तो आपकी फैमिली को अपनी फैमिली को कन्विंस करते हुए और लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है बहुत आसानी से, या उनकी लाइफ में शायद ऑलरेडी वो मैरिड हैं तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी के चांसेस वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत कम है बट बहुत कम है। बट येस, वो अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं और शायद वो आपके कारण या तो किसी रीज़न से इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि वो पता नहीं दूसरों से भी लड़ रहे हैं, या अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो गए थे तो अब अपने दोस्तों से लड़ाई चालू कर दी उन्होंने कि यार तुमने बोला था, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ कि हमारे बीच में लड़ाई हो गई, या किसी रीज़न से हुआ। बट येस, क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड ये बताता है कि अब सिक्का आपके हाथ में आने वाला है। अब तक उन्होंने बहुत नचाया, बहुत परेशान किया, वो चाहे लड़की हो लड़का हो, आपके पार्टनर ने आपको बहुत नचा लिया, बहुत मजाक कराया, बहुत ज़्यादा बोलते ना कि इरिटेट कर दिया आपको, लड़के इतना गुस्सा दिला दिया कि यार ठीक है। तो अभी आप भी ना ज़िद पे बैठ गए हो, अब आपका ऐसा हो गया कि ठीक है तू बाहर में जा, आएगा तो तू खुद ही किधर है, मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो ना, आप बहुत श्योर हो चुके हो भाई तेरे को आना तो यही है, तू किधर नहीं जाने वाला, आपकी ये सोच हो चुकी है। और ये सोच बहुत अच्छी है, आपकी पॉजिटिविटी दर्शाती है कि आपके सामने ब्लैकनेस है लेकिन आप उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आपने अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा है कि आपको गारंटी है वो आएगा, आपके आसपास फूल नज़र आते हैं। और हाँ, आपके पर्सन या आप लियो साइन के भी हो सकते हैं, लियो साइन इधर क्लियर दिख रहा है। आप बिना वॉन्स मतलब पूरी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ खड़े हो गए हो कि भाई आप कि भाई अब तो तुझे आना पड़ेगा, और आप अपने ना आने के बाद भी लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हो। आपने पहले से ना अपने माइंड में बहुत सारे जवाब तैयार रखे कि अगर उसने ऐसा बोला ना तो मैं उसको ऐसा बोलूँगी, अगर उसने वो बोला ना तो उसको ऐसा बोलेंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आप किसी को भी बोलो। आपका ऐसा हो गया कि नहीं भाई सुनाऊँगी, छोड़ूंगी नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, तेरा बहुत हो गया, ऐसा होता है ना कि वो हो चुका है, आप इरिटेट हो चुके हो। और आपका ऐसा हो गया ना कि आप ताक में बैठे हुए नज़र आ रहे हो कि भाई तू आ, अब तू आ, तुझे देखती हूँ। क्योंकि ना आपने ऐसा कि पिछले टाइम शायद लड़ाई ऐसी हुई ना कि पिछले टाइम ना आप ज़्यादा नहीं बोले, वो पर्सन ने ज़्यादा बोल दिया, जिससे ना आप बहुत हर्ट हुए। तो आपने ना एक टाइम तक वेट करके आपका ऐसा हो गया कि अब ना इसका भी टाइम आएगा तो मैं इसको सुनाऊंगी ज़रूर, या सुनाऊंगा ज़रूर, भाई इसका भी आने वाला है। तो आपने ना बहुत लंबा वेट किया है और आप ना कहीं अपने हक के लिए लड़ रहे हो। आपका ऐसा हो गया कि आप ज़िद पे आ चुके हो कि जब तक मेरी बात पे वो अमल नहीं करेगा, जैसे कि आपने शायद अपनी फैमिली उसकी फैमिली को बोल दिया कि कन्विंस कर कि कैसे भी बना, अगर उसने अपनी फैमिली को नहीं मनाया या उसने अपने जो नेचर को स्वभाव को नहीं बदला तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस बार आपने अपना मूड ऐसा बना लिया कि भाई मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, भाई तू बैठा रहे मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगी, भाई तू भले लाख मेरे पैरों पे गिर जा मैं नहीं मानूंगी। आप ज़िद पे आ गए क्योंकि आप इतना वेट कर चुके हैं ना कि आप इरिटेड हो चुके हो। आपका ऐसा हो गया कि यार जब आपका दिमाग पता है क्या बोल रहे कि यार ये प्यार नहीं है, प्यार में इस तरह नहीं होता यार, लड़ाई नहीं होती, इतनी नाराज़गी नहीं होती जितना हो रहा है, या भाई एक दूसरे को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। प्यार में है, अगर सच्चा प्यार है तो कैसे भी बंदा मेरे पास आके रहेगा। तो ये ना आपका कॉन्फिडेंस हो चुका है, आप ना बिल्कुल रेडी हो और बहुत ज़्यादा मतलब एंथुजियाज्म में हो। और फोर ऑफ कॉर्ड ये सॉरी सिक्स ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी ज़िद पूरी होगी, आपके साथ अच्छा होने वाला है, वो वाकई घुटने टेक देंगे, उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, इस बार वो आपको बहुत मनाएंगे। मनाएंगे इसलिए क्योंकि एस ऑफ कप बता रहा है वो प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, ये शादी का भी प्रपोज़ल हो सकता है, ये आपकी प्रेगनेंसी भी बताता है, हो सकता है आप लोग बेबी प्लान कर रहे थे उसके लिए कन्विंस नहीं हो रहे थे तो बेबी प्लानिंग भी दिखाता है। एस ऑफ कप काफ़ी चीज़ों के बारे में बताता है, न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। तो ना वो आएंगे ज़रूर, वो घुटने भी टेकेंगे आपकी बात के सामने ना, उनको घुटने टेकने ही हैं क्योंकि यूनिवर्स ये बहुत क्लियर बता रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी न्यू बिगनिंग बता रहा है कि वो ना एकदम एक टीन और बच्चे के जैसे आएंगे, पता है आपके सामने, मतलब ना आपको लगेगा कि अरे यार, मतलब दया आ जाएगी यार आपको,
कहीं ना कहीं ना वो ऐसा हो जाएगा, अरे यार आप पहले ना गुस्सा दिखाओगे, आपको पहले लगेगा कि ओह ठीक है मैं दिखाती हूँ अब इसको, पर जैसे ही वो ना थोड़ा सा ही ऐसे इमोशनल हो जाएंगे या थोड़ा सा भी ऐसा होगा ना बच्चों जैसा हो जाएगा कि अरे यार, या थोड़ा भी मुंह फुला लेंगे ना तो आप नहीं देख पाएंगे, आप तुरंत पिघल जाएंगे, आप तुरंत बोलेंगे यार ठीक है, मतलब आप ना बहुत जल्दी मेल्ट हो जाने वाले हो बहुत ईजीली। पर ना ये कार्ड आपके लिए बता रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड, कि शादी इज़ इन योर कार्ड। यस, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो आप लोगों की शादी होने वाली है, फैमिली पूरी तरह कन्विंस हो जाएगी, छः वॉन्स दिख रहे हैं, शादी सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, तो फैमिली भी कन्विंस होगी, वो घोड़े पे सवार आपको मनाने के लिए आएंगे बहुत जल्दी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोलते ना, ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, ये बहुत क्लियर बता रहा है कि आप लोगों की जो दुनिया है वो पूरी होने वाली है, आप लोग एक कंप्लीशन देखते हुए नज़र आते हैं, सब ठीक होगा, सब अपने मतलब बोलते ना आपके साथ जितना भी मैस या जो भी पिछले टाइम में हुआ ना, जो भी इश्यूज़ हुए, जो भी लड़ाई हुई या जो भी उन्होंने झटके दिए, जो भी परेशानी दी, कुछ शायद बहुत बड़ा मेजर लड़ाई हुआ था, तो वो सब सॉर्टेड होगा, वो माफ़ी भी मांगेंगे, सब कुछ ठीक भी होगा, आप पिघल भी जाएंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका एक नया संसार बताता है, कहीं एक नई ज़िंदगी, एक अच्छी शुरुआत, अगर वो आपको छोड़कर गए थे तो वो आपके पास लौट कर अब ऐसे इतना प्यार देते हुए नज़र आ रहे, इतना ज़्यादा प्यार देंगे ना कि ये सारी चीज़ें ना आप लोग अब भूल जाओगे, आने वाले कल में ना आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये भी एक हमारी लाइफ का पेज आया था, ये बस उनका जो बोलते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन है ना, वो वाला पीरियड ख़त्म हो गया, अब इरिटेड जो बोलते हैं ना गुस्सा अब आपके अंदर है, तो मेरा ये मानना है कि अगर वो आएंगे तो ज़्यादा गुस्सा मत करना यार, थोड़ा लिमिट में करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका गुस्सा कोई नुकसान कर दे, इसलिए प्यार वाला गुस्सा मंजूर है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करें, अगर वो सामने वाला सब कुछ भूल कर, गलती मान कर, और या फैमिली को और सबको कन्विंस करके, दुनिया से लड़ कर, दुनिया से बोलते ना सब कुछ फतेह कर कर जब वो आपके पास आ रहा है ना, तो थोड़ी नाराज़गी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसको एक्सटेंड मत कीजिएगा, उसको बहुत जल्दी माफ़ कर दीजिएगा, बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाइएगा, और ना उन्हें वही प्यार दीजिएगा। पास्ट के बारे में डिस्कस मत कीजिएगा, बार बार ये मत कीजिएगा कि अरे तुमने फलाना ऐसा किया था, अरे तू साला ऐसा था, ये सॉरी माइंड माई लैंग्वेज कि सॉरी बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग लड़ाई कर रहे हो, फिर ऐसा हो जाएगा कि मैस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिविटी के साथ उन्हें एक्सेप्ट करें, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। और चलिए अब यूनिवर्स से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। और बाय द वे आप लोगों के कार्ड्स में ये तो अब आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि आप लोगों को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो अब आपके कार्ड्स में बहुत क्लियर है कि आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखिए, सारी गुस्सा बोलते ना सारा गुस्सा सारी भड़ास निकालने के लिए तैयार रहिए, वो आ रहे हैं लेकिन ना थोड़ा कम प्यार से। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या एडवाइस लेकर आए हैं। सो यूनिवर्स क्या एडवाइस लाए हैं आप मेरी पाइल नंबर 3 के लिए, मेरे पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स फाइल नंबर 3 के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स फाइल नंबर 3 के लिए ओके फाइल नंबर 3 के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लियर है ना यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि वो आपसे बोल रहे तैयार हो जाइए लड़ाई के लिए, अब आपको ना मौका मिलने वाला है अपनी भड़ास निकालने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, आपके पास ऑफर आ रहा है, प्यार आ रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि देख जो तुमने मांगा ना वो मैंने दे दिया, लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाओ, जो भी उन्होंने अभी तक किया ना, चलो अब उनका टाइम, अब उनको दिखाते हैं कि क्या हुआ, मतलब उनको दिखाते हैं कि भाई क्या तुमने किया और हमने कितना सफ़र किया। तो यूनिवर्स आपको मौका देने वाला है, और उन्होंने कहा है कि पूरा फेथ रखो, बस थोड़ा टाइम और, थोड़े टाइम में ना वो बंदा आपके सामने आएगा घुटनों के बल माफ़ी मांगता हुआ। तो ना आप एकदम अपने आप को प्रिपेयर रखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है आपके इसमें, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून तो सबसे बेस्ट कार्ड है, तो इसलिए निश्चिंत रहें,
सब कुछ बोलते हैं ना कि ऑन योर कोर्ट द बॉल इज़ योर, बोलते ना द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, वो हो गया है अब आपके साथ, आपके साइड में ही अब सारा सब कुछ नज़र आ रहा है, सब अच्छा अच्छा होने वाला है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिए कि आपकी रीडिंग रिसोनेट हुई है, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी रीडिंग्स देख सकें। और हाँ, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो वीडियो पे एक मस्त वाला लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। सो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।